हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सो आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आपको पता होगा कि अभी KGF मूवी का चैप्टर 2 आया था, जिसमें रॉकी भाई का सीन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला था। और जैसा कि मेरा वीडियो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा गाइज, अगर इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आपका भाई प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट करता है। अब आपको यहाँ पे काइंड मास्टर को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में आपको प्लस आइकन पे जाना होगा, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जो KGF का चैप्टर 2 था उसको मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने इस वीडियो को इसमें ऐड कर लिया है। अब आपको यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे जाना होगा, जहाँ पे रॉकी भाई इस गन से सिगरेट को जलाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको इस वीडियो को यहाँ पे रोक लेना होगा। बस यहाँ पे रोकने के बाद आपको करना क्या होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कैप्चर एंड सेव पे आपको क्लिक कर देना होगा। इससे होगा क्या, एक फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइज, इस बैकग्राउंड को आपको यहाँ पे रिमूव कैसे करना होगा, जो रॉकी भाई की फोटो जो गन है उसको रिमूव कर देना होगा, जो बैकग्राउंड को आपको कैसे बनाना होगा। तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है PicsArt एप्लीकेशन। तो मैंने उसको यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। उस वीडियो को मतलब इस फोटो को आपको उसमें ओपन करना होगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पे PicsArt एप्लीकेशन में इस कैप्चर वाली फोटो को ओपन कर लिया है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे क्लोन पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जो फर्स्ट वाला यहाँ पे पॉइंट वाला है, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे रॉकी भाई की फोटो को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे जो साइड में कलर आ रहा है बैकग्राउंड में, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल रही है, आपको कुछ इसी तरीके से इनकी साइज को रहने देना है। उसके बाद में आपको इसी पे क्लिक कर देना होगा, जो यहाँ पे आपको इसके चेहरे पे रॉकी भाई के चेहरे पे आपको जैसे आप रफ करोगे, जो साइड में बैकग्राउंड यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है उसका कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पे रफ करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना होगा। फिर से आपको टूल्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको क्लोन पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे पॉइंट को इस जगह पे ऐड करना होगा। इस जगह पे ऐड करने के बाद आपको नीचे गन आ रही है, इस पे यहाँ पे आपको रब करना होगा। कुछ इसी तरीके से आपकी गन यहाँ पे कुछ इसी तरीके से हो जाएगी। अब आपको फिर से यहाँ पे राइट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे टूल्स पे जाने के बाद आपको फिर से क्लोन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस जगह पे आपको पॉइंट बना लेना होगा और इसके नीचे आपको रब करने के बाद कुछ यहाँ पे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से आपको करना होगा। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको राइट पे क्लिक करना होगा और इस फोटो को सेव कर लेना होगा। आपको सेव का ऑप्शन यहाँ पे कुछ इसी तरीके से साइड में मिल जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है सेव टू योर फोटो गैलरी, आपकी गैलरी में फोटो सेव हो चुकी है। तो गाइज, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइज, मैंने इसको ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पे लोड ए फोटो पे क्लिक करना होगा और जो कैप्चर लिया था आपने उसको इसमें एड कर लेना होगा। जो गन वाली फोटो आ रही है उसको आपको रखना होगा और बाकी के पार्ट को आपको यहाँ पे रिमूव कर देना होगा। तो गाइज, आपको इतना काम करने के लिए आपको यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना होगा। सबसे पहले क्रॉप करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो साइज़ आ रही है इसको आपको थोड़ा बड़ा लेना होगा, जो पॉइंट 15 है उसकी साइज़ आपकी बड़ी हो जाएगी। और इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर से लाने के बाद यहाँ पे रिमूव कर देना होगा। बस आपको यहाँ पे अपनी गन को रखना होगा। और गाइज, अब इसी तरीके से आपको इस फोटो को यहाँ पे रिमूव कर लेना होगा। मैंने इसको जल्दी में किया तो यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलने वाली। इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे इस गन की फोटो को मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना होगा। तो ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। यहाँ पे फिनिश पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब गाइज, तो गाइज, मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आपको प्लस के आइकन पे जाना होगा, फर्स्ट वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपने जो बैकग्राउंड में वीडियो को मतलब उस फोटो को इरेज किया था उसको आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइज, कुछ इस तरीके से PicsArt का आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसमें बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। तो इस बैकग्राउंड को आपको थोड़ा बड़ा कर लेना होगा। यहाँ पे इतना बड़ा करने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा और यहाँ पे करना क्या होगा, लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा। यहाँ पे एक वीडियो को मैंने शूट किया है, उस वीडियो को मैं सबसे पहले इसमें एड कर लेता हूँ। गाइज, इस वीडियो को मैं सबसे पहले कट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे कहाँ से कट करना होगा, जहाँ पे आपका वीडियो आ रहा है कि आपको इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया था, उस जगह पे आपको क्लिक करना होगा। सीजर पे जाने के बाद आपको
ट्रिम टू लैपटॉप लेट कर देना होगा। तो ये वीडियो लेफ्ट साइड से कट जाएगा, इस वीडियो को आपको प्रेस करना होगा और यहाँ पे आपका वीडियो आगे की तरफ आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा और इसको उठाकर यहाँ पे धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आना होगा। तो यहाँ से आपको देख लेना होगा कि आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे से कट कर लेता हूँ। तो फिर से आपको सीजर पे क्लिक करना होगा, ट्रिम टू लैपटॉप लेट कर देना होगा। तो इसको मैं थोड़ा उठाकर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना होगा, यहाँ पे एंड पोजीशन में देखना होगा इस वीडियो को आपको कहाँ से कट करना होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म हो रहा, तो आपको करना क्या होगा, फिर से इस वीडियो पे क्लिक करना होगा। सीजर पे जाने के बाद आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना होगा। कुछ इसी तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है उसको भी क्लिक करने के बाद सीजर पे जाना होगा, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना होगा। दोनों लेयर इक्वल हो चुकी है और आपको यहाँ पे इस तरह का वीडियो आप शूट करना चाहते हो, अगर आपके पास बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर आ रहा है वो आपके पास नहीं है, तो आप किसी अदर कलर के कपड़े का भी यूज कर सकते हो। आपका कपड़ा बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, प्रिंट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप किसी रेड या फिर किसी ब्लू वगैरह किसी भी कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, पीछे की तरफ आप बैकग्राउंड में लगा सकते हो कपड़े को। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद आपको इस ग्रीन वाले वीडियो पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्रॉपिंग के उस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इतना क्रॉप कर लेना होगा जहाँ पे आपका ग्रीन बैकग्राउंड ही आए। यहाँ पे इतना क्रॉप करने के बाद फिर से इसी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको क्रोमो की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद इसको सिंपल इनेबल कर लेना होगा। इनेबल करते ही गाइज आपको कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा कलर मिल जाएगा, तो आपको 50% से थोड़ा आगे की तरफ आपको यहाँ पे बढ़ा देना होगा। तो मैंने इसको 60 या फिर 64 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो ऊपर वाला 28% पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे 1% बढ़ा लेना होगा। बस आपको इतना काम करने के बाद आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा और आपको लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और जो गन को आपने यहाँ पे रिमूव किया था इरेजर वाले एप्लीकेशन में, उस फोल्डर में आपको जाना होगा और उस गन को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने इस गन को सेलेक्ट कर लिया है और आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने वीडियो पे क्लिक करना होगा और इसको जूम कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से आपको जूम करने के बाद यहाँ पे रख देना होगा, यहाँ पे रखना होगा और आपको इसको लास्ट लेके जाना होगा जहाँ तक आपका वीडियो ख़त्म हो रहा है। तो मैंने इसको एंड तक यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, तीनों लेयर आपकी इक्वल हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो को धीरे धीरे चलाकर देखना होगा, जहाँ पे मैं यहाँ पे इस गन को आपको सिगरेट के पास में लेके जाना होगा, तभी आपका वीडियो परफेक्टली बन पाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे देख पा रहे हो, बिल्कुल हमारा वीडियो परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर वाले लेयर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे साउंड में जाने के बाद इसका साउंड ऑफ कर देना होगा। जो भी यहाँ पे नॉइज आ रहा है वो आपको बंद हो जाएगा और आपको इस वीडियो को सबसे पहले शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो हमारा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होके गैलरी में सेव हो चुका है। आपको फिर से दो बार बैक आना होगा, दो बार बैक आने के बाद गाइज आपको प्लस के आइकन पे जाना होगा, फिर से उसी फॉर्मेट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक वीडियो को तैयार किया है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलने वाली, इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। तो मैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और गाइज उस वीडियो को मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। गाइज इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से आपको धीरे धीरे स्लाइड करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो KGF का जो लोगो आ रहा है वो वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड आपकी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ आपको यहाँ तक ब्लैक मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो चैप्टर 2 के नाम से मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा सीन मिलेगा वीडियो का, बस आपको इतना काम कर यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको करना क्या होगा, यहाँ पे KGF का जहाँ पे लोगो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे नाम ख़त्म हो, उसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो आपने वीडियो भी आपका एक्सपोर्ट किया था, लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाने के बाद उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाने के बाद इसको फुल स्क्रीन में कर देना होगा और आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसको यहाँ पे बीच में कर देना होगा। बस आपको यहाँ पे करने के बाद आपको वीडियो को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइज आपने वीडियो को देख लिया, आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, इस वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट कर देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।